Okay, introduction to viruses. What are viruses? आपको पता है कि जितने भी यूनिवर्स में और लिविंग ऑर्गेनिज्म है इंक्लूडिंग ह्यूमन पैथोजेंस दे कंसिस्ट ऑफ सेल्स. सेल्स आर द बेसिक डोमेन्स. Cells are the basic domains of the living cell and they make the subunit. They are the basic unit of life. ठीक है. But viruses जो हैं they are different from all the other living organisms because they do not consist of cells. Viruses are infectious acellular agents. ठीक है. ये acellular agents होते हैं, इनमें cells नहीं होते, इनकी domain जो है वो cells नहीं है. और ये सब microscopic होते हैं, मतलब आपको light microscope पर visible नहीं होंगे and they cannot replicate. Another important point is कि ये within cell जो है अपने host के cell के अंदर replicate कर सकते हैं, उसकी machinery को use करते हैं. इनके पास अपनी कोई replication machinery नहीं होती जिसकी वजह से ये independently replicate नहीं कर सकते. So we can say that they are obligate intracellular parasites. Okay. All other infectious agents such as bacteria, fungi and protozoa and worms, they consist of cells. But viruses जो हैं वो they are acellular, so they are different from all other living organism that consist of cells. Viruses are acellular. अगले table में हमने इनका comparison किया हुआ है. Viruses का और cells का, जितने भी living organisms जो हैं जो cells पर consist करते हैं, वो cells और ये viruses आपस में किस तरह से एक दूसरे से differentiate करते हैं. The first thing is the type of nucleic acid. You know well that cells have DNA and RNA. They have both. DNA is a genetic material and RNA is used to transcribe and translate DNA. But in viruses, the genetic material either consists of DNA or RNA, but not both. Viruses mein at the same time, DNA or RNA dono present nahi hote. Jabki ek jo normal cell hota hai, bacteria le lo, human cell le lo, animal cell le lo, koi bhi cell hoga, usme DNA bhi hoga aur RNA bhi hoga. उसके अलावा प्रोटीन्स जो होती हैं वायरसेस में, बहुत लिमिटेड सी प्रोटीन्स होती हैं. बहुत लिमिटेड स्ट्रक्चरल प्रोटीन होगी, जैसे कैप्सूल की प्रोटीन होगी, ठीक है. लेकिन इसके अलावा कोई जो उसके मेटाबॉलिज्म के लिए या फिर उसकी ग्रोथ के लिए या उसकी रेप्लिकेशन के लिए कोई स्पेशल प्रोटीन उसके पास नहीं होती. इसी तरह सेल्स के पास बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं. वायरसेस के पास लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन भी होती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इनवैलिड वायरसेस के पास होती है. वो भी उनकी अपनी नहीं होती, वो उन्होंने होस्ट से डिराइव की भी होती है. सेल्स के पास जो है वो अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है. राइबोसोम्स वायरसेस में एब्सेंट होते हैं. मैंने आपको बताया इनके पास कोई अपनी बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती जिसमें राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया दोनों इनके पास एब्सेंट होते हैं और वो अपने होस्ट की यूज़ करते हैं, ठीक है. सेल्स के पास राइबोसोम्स भी होते हैं और इसके अलावा अगर तो यूकेरियोटिक सेल्स हैं तो उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है. अच्छा, वायरसेस के पास बहुत कम एंजाइम्स होते हैं, लाइक पॉलीमरेज़ेस होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रेप्लिकेशन के लिए. उसके अलावा कोई स्पेशल एंजाइम इनके पास नहीं होते. सेल्स के पास पूरे सेट ऑफ एंजाइम्स होते हैं फॉर द सर्वाइवल, रेप्लिकेशन, ग्रोथ. अच्छा, अगर हम वायरसेस की मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो वायरसेस जो हैं वो एक सेल को इन्फेक्ट करते हैं, उसी सेल के अंदर जाके अपनी कॉपीज बनाते हैं, ठीक है. उन कॉपीज को असेंबल करते हैं और वहाँ से रिलीज हो जाते हैं. इनकी इंट्रासेलुलर सिंथेसिस और इनकी इंट्रासेलुलर ही असेंबली होती है, ठीक है. जबकि जो सेल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करते हैं बाइनरी फिशन से, मतलब बडिंग से या माइटोसिस से वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ये इनका डिफरेंस हो गया. न्यूक्लिक एसिड की बेस पे कहते हैं कि डीएनए आरएनए दोनों नहीं होते वायरसेस में, ठीक है. प्रोटीन्स भी कम होती हैं, लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन भी इनमें होती है लेकिन वो होस्टेराइड होती है. राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं, एंजाइम्स बहुत थोड़े होते हैं और मल्टीप्लिकेशन इंट्रासेलुलर होती है. अब हम आ जाते हैं वायरसेस के स्ट्रक्चर पर. साइज ऑफ वायरसेस, वायरसेस का जो साइज होता है वो 20 to 300 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है. स्मॉलेस्ट वायरस नॉन वायरस है वो पोलियो वायरस है एंड लार्जेस्ट नॉन वायरस इज पॉक्स वायरस. अभी जो लार्जेस्ट नॉन वायरस जो पॉक्स वायरस है, लार्जेस्ट पॉक्स वायरस जो लार्जेस्ट वायरस है जो कि पॉक्स वायरस है, इसका साइज जो है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया के राउंड अबाउट होता है. माइक्रोप्लाज्मा स्पीशीज स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, ठीक है. जो लार्जेस्ट वायरस है उसका साइज स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया के इक्विवेलेंट होता है, उसके ऑलमोस्ट इक्वल होता है. वायरसेस की शेप्स की बात करें तो जब हम वायरसेस की शेप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम कहते हैं वो या तो रॉड शेप है या स्फीयर शेप है या बुलेट शेप है, ब्रिक शेप है.
लेकिन वायरसेस को अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखें तो वो एक उसकी टिपिकल ज्योमेट्रिकल सिमेट्री होती है, ठीक है। उसके पास एक कैप्सिड होता है, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर एक इसकी कोटिंग होती है प्रोटीन की, कैप्सिड, उसको कहते हैं कैप्सिड। वो जो कैप्सिड को बनाने के लिए जो डोमेन यूज होती हैं उनकी टिपिकल अरेंजमेंट होती है, जिसकी वजह से एक उसको ज्योमेट्रिकल सिमेट्री मिलती है, ठीक है। तो जितने भी वायरसेस होते हैं उनकी शेप्स को हम इन चार टर्मिनोलॉजीज में डिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन उनकी जो सिमेट्री होती है टिपिकल ज्योमेट्रिकल सिमेट्री होती है, और वो सिमेट्री जो है डिपेंड्स अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ द डोमेन्स दैट मेक द कैप्सिड। ओके, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ वायरस? वायरस के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको पता है कि एक सेल के अलग कंपोनेंट्स होते हैं। वायरस क्योंकि एक एसेलुलर चीज है तो उसके लिए कंपोनेंट्स, उसको वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है वो यहाँ पे मैंने बताया है। न्यूक्लिक एसिड, सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद उस न्यूक्लिक एसिड के बाहर एक आउटर प्रोटीन कोट होती है जिसको कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके कैप्सिड के बाहर भी एक आउटर स्ट्रक्चर होता है जिसको एनवेलप कहते हैं। तो ये तीन बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं एक वायरस के, सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड के बाहर एक प्रोटीन कोट, और उसके बाद एक बाहर समटाइम्स कुछ वायरसेस के कैप्सिड के बाहर एक एनवेलप होता है, उनको एनवेलप्ड वायरसेस कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड देख लेते हैं। वायरसेस का न्यूक्लिक एसिड बहुत सिंपल सा होता है। वायरसेस का जो न्यूक्लिक एसिड होता है आपको पता है बॉडी मतलब जितने भी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो डिप्लॉयड होता है, हैप्लॉयड भी हो सकता है, ठीक है। डिप्लॉयड मतलब कि उनकी डबल कॉपीज होती हैं, हैप्लॉयड का मतलब होता है कि वो एक सिंगल ही कॉपी होती है, उसकी कोई कॉपी नहीं होती, एक सिंगल जेनेटिक स्ट्रैंड या मटीरियल होता है, ठीक है, उसकी कोई कॉपी नहीं होती। वायरसेस जो हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। हैप्लॉयड मींस कि इनके पास जो जेनेटिक मटीरियल होता है डीएनए या आरएनए होता है वो इनके पास एक ही सेट होता है, इनके पास उसकी डबल कॉपीज नहीं होती। सो वायरसेस आर हैप्लॉयड एक्सेप्ट रोटावायरस। रोटावायरस एक डिप्लॉयड वायरस है। अच्छा, अब इनके पास जो सिंगल कॉपी होती है, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल की, वो मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया कि आइदर इट विल बी डीएनए और इट विल बी आरएनए, बट नॉट बोथ, ठीक है। एक वायरस के अंदर या तो सिर्फ डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, या तो वो डीएनए वायरस है या वो आरएनए वायरस है, लेकिन डीएनए और आरएनए दोनों एट द सेम टाइम इन द सेम वायरस प्रेजेंट नहीं हो सकते, ठीक है। सो दे हैव अ सिंगल कॉपी, और इनका जो डीएनए या आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, ठीक है। सो दे हैव अ सिंगल कॉपी ऑफ सिंगल और डबल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए, बट नॉट बोथ। अच्छा, अब जो अगर डीएनए वायरस है वो उसके अंदर डीएनए जेनेटिक मटीरियल है, तो डीएनए जो है वो एक सिंगल पीस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा उस सेल के अंदर, एक सिंगल इंटैक्ट पीस होगा, जबकि जो उसका आरएनए होगा दैट विल बी फ्रेगमेंटेड, और उसके छोटे छोटे सेगमेंट्स होंगे जो एक वायरस के अंदर मौजूद होंगे। तो DNA is always a single intact piece, but RNA can exist in segments like an influenza and rotavirus. अच्छा, अब ये जो DNA होता है सबसे internal most DNA कह रही हूँ, genetic material जो होता है ये internal most structure होता है, ठीक है। virus में सबसे अंदर जो है DNA होता है, उसके बाहर capsule या envelope होता है, DNA या RNA होता है। अच्छा, ये जो इसका genetic material होता है ये circular भी हो सकता है और linear भी हो सकता है। फिर हम कैप्सिड पे आ जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड के बाहर जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है वो कैप्सिड होता है। कैप्सिड जो है आउटर प्रोटीन कोट होती है, मतलब कि ये प्रोटीन प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है और ये न्यूक्लिक एसिड को कवर करता है, उसको सराउंड करता है। कैप्सिड इटसेल्फ जिन सब यूनिट से मिलकर बना होता है उनको कहते हैं कैप्सोमियर्स। कैप्सोमियर स्मॉल सब यूनिट्स होते हैं जो कि आपस में अरेंज होकर एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कैप्सिड कहते हैं। जब आप एक कैप्सोमियर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको एक स्फेरिकल सी प्रोटीन नजर आएगी, स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर नजर आएगा, ठीक है, जिसके अंदर एक सेंटर में होल होगा, ठीक है। अगर न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड को कंबाइन करें तो वो एक कंप्लीट वायरस बन जाता है, इसको न्यूक्लियो कैप्सिड भी कह सकते हैं, ठीक है। वायरल न्यूक्लिक एसिड प्लस कैप्सिड न्यूक्लियो कैप्सिड, उसको न्यूक्लियो कैप्सिड भी कह सकते हैं। सो कैप्सिड इज द आउटर प्रोटीन कोट सराउंडिंग न्यूक्लिक एसिड। It is made up of protein subunits called capsomere. Capsomere consists of one or several proteins that appear spherical with a central hole in electron microscopy. Viral nucleic acid plus virus capsid nucleocapsid. Now, how the capsomeres are arranged? Okay, capsomere can be arranged in multiple ways to give rise to a typical geometrical symmetry. ठीक है, जब कैप्सोमियर्स अरेंज्ड होते हैं तो मेनली जो वायरसेस में जो हम सिमेट्री जो देखते हैं, जो सिमेट्री हमें देखने में आती है वो
दो तरह की होती है, या तो वो आइकोसाहेड्रल होते हैं या वो हेलिकल होते हैं, ठीक है। कैप्सिड बनाने के जो सब यूनिट्स होते हैं कैप्सोमियर्स, वो अपने आप को दो मेन ज्योमेट्रिक सिमेट्रीज में अरेंज कर लेते हैं। कुछ वायरसेस में ये आइकोसाहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं, कुछ वायरसेस में ये हेलिकल ज्योमेट्री बनाते हैं। आइकोसाहेड्रल मीन्स उसके 20 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। तो आइकोसाहेड्रल में क्या होता है कि जो कैप्सोमियर होता है वो अरेंज होकर 20 ट्राइंगल्स बनाते हैं, वो 20 ट्राइंगल्स ज्वाइन होकर एक स्फेरिकल शेप बना देते हैं, स्फीयर बना देते हैं, ठीक है। और आइकोसाहेड्रल वायरसेस इनवेलप भी हो सकते हैं, नॉन इनवेलप भी हो सकते हैं। ये इसमें देखो, ये हमारे पास एक कैप्सोमियर है, ये कैप्सोमियर हमारे पास इस तरह के 60 कैप्सोमियर्स कंबाइन होकर एक ट्रायंगल सा बनाते हैं, और इस तरह के 20 ट्रायंगल्स जब मिलेंगे तो हमारे पास ये एक स्फीयर बन जाएगा। तो ये हमारे पास आइकोसाहेड्रल सिमेट्री है, इसके 20 कॉर्नर होंगे। इसी तरह जो आइकोसाहेड्रल वायरसेस होते हैं वो इनवेलप भी हो सकते हैं, हो सकता है कि वो इनवेलप ना हो। फिर आ जाती है हेलिकल सिमेट्री। हेलिकल सिमेट्री में क्या होता है कि आपके कैप्सोमियर जो है वो एक अरेंज होकर एक क्वाइल की शेप दे देते हैं, होलो क्वाइल होता है। होलो मतलब उसके अंदर जो स्पेस होती है वो उसके अंदर स्पेस होती है और उस स्पेस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। हेलिकल वायरस स्प्रिंग लाइक शेप बनाते हैं कैप्सोमियर अरेंज होकर, और इसके अंदर जो है वो न्यूक्लिक एसिड होता है। आपको पता है जो जिस तरह स्प्रिंग होता है उसी तरह से ये होता है, स्प्रिंग जो है आपको फ्लेक्सीबल भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है, और ये हमेशा इनवेलप होते हैं। हेलिकल वायरसेस आर ऑलवेज इनवेलप। ये हेलिकल वायरस शो किया हुआ है, ये न्यूक्लिक एसिड जो है वो अरेंज हुआ है, न्यूक्लिक एसिड अरेंज होकर इसने जो है हेलिकल शेप दी हुई है, न्यूक्लिक एसिड में सॉरी कैप्सिड। कैप्सोमियर्स जो हैं अरेंज हुए हैं और उन्होंने कैप्सिड की जो सिमेट्री बनाई हुई है वो हेलिकल बनाई हुई है, ठीक है। वो रॉड शेप की सिमेट्री है और उसके अंदर आप देखें इसके अंदर स्पेस है जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद है। So this is the helical symmetry of viruses. Helical viruses मैंने आपको बताया कि हमेशा enveloped होंगे। अब ये जो viral proteins हमने पढ़ी हैं, ये captured की proteins, इनकी significance क्या होती है, मतलब इनका क्या रोल होता है? अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जैसे इनकी अरेंजमेंट है, ये न्यूक्लिक एसिड के ऊपर कवरिंग होती है, कोटिंग होती है प्रोटीन की। तो इस ये बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है कि ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट कर रही होती है, ठीक है। अगर न्यूक्लिक एसिड ऐसे ही नेकेड पड़ा होगा इन्वायरमेंट में तो सेल बॉडी के अंदर हो सकता है कि कुछ न्यूक्लियस हों जो कि उसको डिग्रेड कर दें। तो वायरसेस जो हैं उनके जो न्यूक्लिक जेनेटिक मटीरियल होता है उसके ऊपर जो कैप्सिड होता है वो जेनेटिक मटीरियल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके अलावा ये जो कैप्सिड होता है ये इसकी अटैचमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। होस्ट की सरफेस पे स्पेसिफिक रिसेप्टर जिनके साथ इसने जाके बाइंड करना होता है, फिर उसके बाद इसने सेल में एंटर होना होता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो कैप्सिड की अटैचमेंट और उसकी इंटरेक्शन की वजह से होता है होस्ट रिसेप्टर के साथ। अच्छा, और इसके अलावा क्या होता है कि इन आउटर प्रोटीन्स को हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी जो है ना इन आउटर प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करके इनको रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। अगर या जब वायरस बॉडी में एंट्री गेन करता है तो ये जो आउटर प्रोटीन्स होती हैं दे आर आइडेंटिफाइड बाय द साइटोटॉक्सिक टी सेल, और दे आर आइडेंटिफाइड बाय द एंटीजन प्रोसेसिंग सेल्स, और उसके बाद जो है वो उसको प्रोसेस करके या तो हेल्पर टी सेल्स को कर देते हैं एक्टिवेट, ठीक है, जिसकी वजह से उधर पर रिस्पॉन्स आता है, या फिर जो है साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट होते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट होकर इन वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को किल कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए भी इन आउटर प्रोटीन्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है। साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिविटी के अलावा एंटीबॉडीज जो हैं वो भी इन आउटर प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करती हैं, और इसकी वजह से जो है ना हमारी बॉडी इनको टैकल करने में सक्सेसफुल रहती है और इनको जो है न्यूट्रलाइज कर देती है, इनको एंटर नहीं होने देती वो सेल एंटीबॉडीज की वजह से। अच्छा, अब ये जो आउटर प्रोटीन्स होती हैं आपको पता है कि ये सरफेस एंटीजन्स बनाती हैं। जितनी भी हर वायरस के ऊपर जो प्रोटीन होती है जो कैप्सिड की प्रोटीन होती है वो डिफरेंट होती है, तो हर वायरस की सरफेस एंटीजन डिफरेंट होगी। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि एक ही वायरस के अंदर
ये जो सरफेस एंटीजन होते हैं इसमें माइनर वेरिएशन आ जाते हैं, एक ही वायरस के अंदर एक सरफेस एंटीजन की माइनर वेरिएशन आ जाती है तो उस वायरस की सब कैटेगरीज बन जाती हैं। ठीक है, सरफेस एंटीजन की बेसिस पर जो सब कैटेगरीज बनती हैं उनको सीरोटाइप्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पोलियो वायरस है, ठीक है, पोलियो वायरस की मैंने कहा है आगे थ्री सीरोटाइप्स हैं। थ्री सीरोटाइप्स कैसे हैं कि पोलियो वायरस सीरोटाइप वन, उसकी सरफेस पर जो एंटीजन है, उसकी जो सरफेस प्रोटीन है, जो सरफेस एंटीजन बना रही है उसमें कुछ और, वो कुछ और तरह की है। ठीक है, और जो सीरोटाइप टू है उसकी जो सरफेस एंटीजन है वो माइनर चेंजेस के साथ वो कुछ और तरह की है, और जो सीरोटाइप थ्री है उसकी जो सरफेस एंटीजन है वो माइनर वेरिएशन की वजह से थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की है। तो इस तरह से सरफेस एंटीजन में माइनर वेरिएशन की वजह से सब जो सब कैटेगरीज जो बनती हैं उनको सीरोटाइप्स कहते हैं, और वो सीरोटाइप्स मल्टीपल हो सकती हैं, जैसे पोलियो वायरस की थ्री हैं, राइनो वायरस की हंड्रेड हो सकती हैं, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनकी कोई सीरोटाइप नहीं होती, जैसे मीजल्स वायरस वो एक ही तरह का होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो आउटर प्रोटीन है वो एज ए सरफेस एंटीजन एक्ट करती है, और ये सरफेस एंटीजन में वेरिएशंस की वजह से सब कैटेगरीज बनती हैं जिसको कहते हैं सीरोटाइप। और सीरोटाइप्स बहुत सारी हो सकती हैं, लाइक राइनो वायरस की हंड्रेड होती हैं, कम भी हो सकती हैं, लाइक पोलियो वायरस की थ्री होती हैं, और मीजल्स वायरस की कोई सीरोटाइप नहीं होती। अब इन सीरोटाइप्स की सिग्निफिकेंस क्या होती है? जैसे हमें सीजनल फ्लू होता है, बार बार होता है, रिपीटेडली होता है, क्यों होता है? लाइक अगर एक दफ़ा वायरस हमारी बॉडी में आया है, हमने उसके एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज किया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी रिस्पांस हमने माउंट किया, ठीक है, तो अगर वो अब इन्फेक्शन तो रिजॉल्व हो गया लेकिन एंटीबॉडीज स्टिल बॉडी में प्रेजेंट है, तो हमें वो इन्फेक्शन दोबारा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें रिपीटेडली इन्फेक्शन क्यों होता है, रिपीटेडली हमें फ्लू क्यों होता है? मैंने आपको यहाँ बताया कि राइनो वायरस जो है सीजनल फ्लू कॉज करता है, इसकी हंड्रेड सीरोटाइप्स हैं। आपको हो सकता है कि आपको इस सीजन में अगर कोई इन्फेक्शन होती है राइनो वायरस से तो सीरोटाइप वन से हुई है, ठीक है, आपने उसकी अगेंस्ट एंटीबॉडी तो डिवेलप कर दी, लेकिन जब नेक्स्ट सीजन आता है आपको नेक्स्ट इन्फेक्शन होती है तो आपको सीरोटाइप टू से हो जाती है, तो आपकी बॉडी सीरोटाइप वन के अगेंस्ट तो वो थी, प्रोटेक्टेड थी, प्रिपेयर थी, लेकिन सीरोटाइप टू के अगेंस्ट आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपको सेम वायरस से रिपीटेड इन्फेक्शन हो गया उस वायरस की डिफरेंट सीरोटाइप से। वायरस सेम था, सीरोटाइप डिफरेंट थी, जिसकी वजह से आपको रिपीटेडली इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो ये सीरोटाइप जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द रिपीटेड इन्फेक्शन विद द सेम वायरस बट अ डिफरेंट सीरोटाइप। अच्छा, इसी तरह जब हम वैक्सीन डिवेलप करते हैं तो वैक्सीन के डिवेलपमेंट में हमें ये देखना पड़ता है कि एक जो जिस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, जिस वायरस के अगेंस्ट या जिस बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम वैक्सीन डिवेलप कर रहे हैं उसकी सीरोटाइप कितनी है। ठीक है, अगर तो कोशिश तो ये होती है कि आप सारी सीरोटाइप जो वैक्सीन आप डेवलप करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि वो सारी सीरोटाइप को कवर कर दें, लेकिन क्या होता है समटाइम ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो हम ये भी देख लेते हैं कि कौन सी सीरोटाइप इस पॉपुलेशन में प्रेवलेंट है, तो आप उस पॉपुलेशन को के लिए उसी सीरोटाइप के अगेंस्ट वैक्सीन डिवेलप करके उस पॉपुलेशन को आप वही वाली वैक्सीन दे देते हैं जिससे उनके अंदर इम्यूनिटी डिवेलप हो जाती है। सो सीरोटाइप की एक और सिग्निफिकेंस ये है कि वैक्सीन मस्ट बी डिवेलप to provide immunity against all potential serotypes. Okay, फिर हमारे पास ये अभी structural outer proteins थी, ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ internal proteins भी होती हैं, like अगर virus enveloped है तो जो capsid protein है वो एक internal protein होगी, ठीक है, इसी तरह enzymes आते हैं जो DNA और RNA polymerases होते हैं, ये replication के लिए use होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा कुछ enveloped viruses, जो भी viruses enveloped होते हैं उनके अंदर एक एडिशनल प्रोटीन होती है जिसको मैट्रिक्स प्रोटीन कहते हैं। मैट्रिक्स प्रोटीन क्या करती है, इनवेलप की अंदर, इनवेलप और कैप्सिड के दरमियान में मौजूद होती है, ये इनके इंटरेक्शन के लिए यूज होती है। ठीक है, जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये पिक्चर है, यहाँ पर ये इसका जेनेटिक मटीरियल है, ये रेड कलर का, उसके बाहर ये रेड कलर का जेनेटिक मटीरियल है, उसके बाहर ये कैप्सिड प्रोटीन्स कैप्सोमियर्स अरेंज होकर इन्होंने एक कैप्सिड बनाया होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूक्लियो कैप्सिड, जेनेटिक मटेरियल और कैप्सिड, ये हो गया न्यूक्लियो कैप्सिड। अब न्यूक्लियो कैप्सिड के बाहर क्या होता है, ये ब्राउन कलर का आपको रिंग नजर आ रहा है, ये इनवेलप है, इसका इनवेलप वायरसेस में ये स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये ब्राउन कलर की जो रिंग नजर आ रही है इसका इनवेलप है, और ये जो ग्रे कलर का आपको रिंग नजर आ रहा है ब्राउन के पीछे और ब्लू के आगे, ये मैट्रिक्स प्रोटीन है। ये मैट्रिक्स प्रोटीन इनवेलप और कैप्सिड के दरमियान में होती है और ये इनके इंटरेक्शन के लिए यूजफुल होती है। ठीक है, सो ये इसके इंटरनल प्रोटीन का
रोल हो गया, कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन लाइक कैप्सिड प्रोटीन होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं और उसके अलावा कुछ मैट्रिक्स प्रोटीन होते हैं। अच्छा, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो ऐसी प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं दैट एक्ट एज सुपर एंटीजन, जैसे कि एब्स्टेन-बार वायरस और साइटोमेगालो वायरस। सुपर एंटीजेंस क्या होते हैं, शायद आपने पढ़ी भी हो कि सुपर एंटीजेंस हेल्पर टी सेल्स को डायरेक्टली एक्टिवेट करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि आपके जो, जैसे नॉर्मली कोई बॉडी में एंटीजन एंटर होता है तो वो एंटीजन पहले मैक्रोफेजेस के पास या जो भी एंटीजन प्रोसेसिंग सेल्स होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, उनके अंदर जाती है, उनके अंदर उसकी प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद जो वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं वो उन एंटीजन को हेल्पर टी सेल्स को जाकर प्रेजेंट करते हैं और फिर पूरा इंफ्लेमेटरी और जो इम्यून रिस्पॉन्स आता है वो डिवेलप होता है। लेकिन कुछ वायरसेस क्या करते हैं, वो डायरेक्टली जाकर हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट कर देते हैं, मतलब जो एंटीजन प्रेजेंटेशन और प्रोसेसिंग वाला सारा प्रोसेस है उसको बाईपास करके डायरेक्ट हेल्पर टी सेल के साथ उसके रिसेप्टर्स पर जाकर अटैच कर हो जाते हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बॉडी डिवेलप करती है और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम डिवेलप हो सकता है। ठीक है, तो कुछ वायरसेस जो है वो ऐसे प्रोटीन्स डिवेलप करते हैं जो सुपर एंटीजेंस होते हैं। उसके अलावा वायरसेस के अंदर कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स भी होती हैं। इन रेगुलेटरी प्रोटीन्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन फैक्टर्स आ जाते हैं जो या तो सेल के या फिर वायरसेस की ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को कंट्रोल कर रही होती है। उसके अलावा हमारे पास ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं ये जिस स्ट्रक्चर में स्टोर्ड होती हैं उसको टैगमेंट कहते हैं। टैगमेंट जो है वो न्यूक्लियर कैप्सिड और एनवेलप के दरमियान में स्ट्रक्चर। ये इनवेलप वायरस वायरल, अब हम वायरस के इनवेलप स्टडी करेंगे। इनवेलप जो है ये आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है किसी भी वायरस का, जो इनवेलप वायरसेज होते हैं। जो वायरसेज इनवेलप नहीं होते हैं उनका आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर कैप्चर भी होता है, लेकिन जो इनवेलप वायरसेज होते हैं उनका आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर इनवेलप होता है। और इनवेलप के जो है ना 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइपोप्रोटीन होती है। लाइपोप्रोटीन का जो लिपिड कंपोनेंट होता है वो इसने होस्ट से डिराइव किया होता है। जो इसका प्रोटीन कंपोनेंट होता है वो वायरस स्पेसिफिक होता है। ठीक है, इसी तरह ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होती हैं। लिपोप्रोटीन्स के अंदर जो है वो लिपोप्रोटीन के अंदर से प्रोजेक्शंस निकल रही होती हैं, स्पाइक लाइक प्रोजेक्शन जो कि ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई होती हैं। ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन के जो स्पाइक लाइक प्रोजेक्शन होती हैं वो रिसेप्टर के साथ उसकी अटैचमेंट और उसकी एंट्री होस्ट सेल के अंदर जो एंट्री होती है उसमें इसको हेल्प आउट करते हैं। मैट्रिक्स प्रोटीन मैंने आपको पहले बता दिया, ये दिखाया हुआ इनवेलप वायरस का स्ट्रक्चर। ये जो ब्राउन कलर का रिंग है ये इसका इनवेलप है और इसमें से जो पर्पल स्पाइक लाइक प्रोजेक्शंस निकल रही हैं ये इसकी ग्लाइकोप्रोटीन है। ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये होस्ट सेल के साथ इसका जो रिसेप्टर होता है स्पेसिफिक उसमें इसको अटैच करने में भी हेल्प आउट करती हैं और फिर जब अटैच हो जाएगा तो होस्ट सेल के अंदर इसको एंट्री एंटर होने में भी इसकी हेल्प करती हैं। तो ये लिपोप्रोटीन इनवेलप है, इसके अंदर ये ग्लाइकोप्रोटीन के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं और ये मैट्रिक्स प्रोटीन है ग्रे कलर की। अच्छा, इनवेलप कहाँ से आता है वायरस के पास, इसका सोर्स क्या है? इट इज डिराइव फ्रॉम द सेल्स आउटर मेम्ब्रेन बाय बडिंग। आपको पता है वायरस जब किसी सेल को इन्फेक्ट करता है तो वो उसके अंदर जाता है, अंदर जाके मल्टीप्लाई करता है, मल्टीपल कॉपीज बना देता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस में वो इनवेलप नहीं बनाता। क्या होता है कि जब ये वायरस बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, पैकेजिंग हो गई है, असेंबली हो गई है, अब वो क्या करता है, उसकी सेल से बाहर मूव आउट करना है। जब वो सेल से बाहर एग्जिट कर रहा होता है तो वो साथ क्या करता है, क्योंकि सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, तो ये जो वायरस होता है जब ये सेल से बाहर निकल रहा होता है तो ये सेल मेम्ब्रेन का अब कुछ पार्ट जो है वो अपने साथ इनकॉर्पोरेट करके उसको एज एन इनवेलप यूज करता है और उसको साथ लेकर ही सेल से बाहर एग्जिट हो जाता है। ठीक है, तो जो इनवेलप का सोर्स है वो उसका जो होस्ट सेल मेम्ब्रेन है वो है। होस्ट की सेल मेम्ब्रेन का एक पार्ट अपने साथ अटैच कर लेते हैं और सेल से बर्ड आउट हो जाता है, बर्डिंग हो जाती है उसकी। तो इसका जो सोर्स है वो होस्ट है, होस्ट की सेल मेम्ब्रेन है। कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो होस्ट की न्यूक्लियस को इन्फेक्ट करते हैं, होस्ट के न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाते हैं, लाइक हर्पीस वायरस। तो हर्पीस वायरस का जो इनवेलप है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डिराइव होता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को वो अपने साथ अटैच कर लेता है और सेल से बर्ड आउट हो जाता है। इनवेलप की सिग्निफिकेंस क्या है? इनवेलप जो है वो एक सेंसिटिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो जो इनवेलप्ड वायरसेस हैं वो अपने इनवेलप की वजह से इनस्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो इनवेलप है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से इन्वायरमेंट में जो हीट होती है,
जो ड्राइंग कंडीशंस होती हैं या डिटर्जेंट्स, लिपिड सॉल्वेंट्स, अल्कोहल, इनको टॉलरेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब इनको टॉलरेट नहीं कर सकेगा तो वो वायरस, वो जो वायरस है उनके सर्वाइवल के चांसेस इन्वायरमेंट में कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि इनकी जो ट्रांसमिशन होती है वो इस तरह से ऐसे रूट से होती है जिसमें इनको इन्वायरमेंट में ज़्यादा देर स्टे ना करना पड़े, ठीक है। मैं आपको बताई थी कि जो इन्वेलप है उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। इन्वेलप जो है वो वायरसेस को इंस्टेबिलिटी देता है, क्योंकि इन्वेलप इटसेल्फ एक सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है। ये हीट को, ड्राइंग को, डिटर्जेंट्स और लिक्विड सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल को टॉलरेट नहीं कर सकता, ठीक है। जब वो इन चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर सकता तो इसका सर्वाइवल जो है वो इन्वायरमेंट में मुश्किल हो जाता है, और इसकी ट्रांसमिशन ऐसे रूट्स से होती है जिसमें उसको इन्वायरमेंट में स्टे ना करना पड़े। लाइक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू, मतलब एक पर्सन से डायरेक्ट दूसरे पर्सन में चला गया, इसको इन्वायरमेंट में आना ही नहीं पड़ा, इन्वायरमेंट में स्टे नहीं करना पड़ा। लाइक HIV वायरस, HIV, हेप सी वायरस। इसके अलावा इंसेक्ट बाइट, पहले इंसेक्ट में था और फिर इंसेक्ट ने आगे जिसको बाइट किया उसने वो ट्रांसमिट हो गया, लाइक येलो फीवर वायरस। एनिमल बाइट से ट्रांसमिशन होती है, लाइक रेबीज वायरस। और इसके अलावा रेस्पिरेटरी एरोसोल्स, मतलब एरोसोल्स बनते हैं, वो एरोसोल्स जो है वो कुछ टाइम के लिए एनवायरनमेंट में रहते हैं और फिर इमीडिएटली जो है वो नेक्स्ट पर्सन में ट्रांसमिट हो जाते हैं। अगर वो नेक्स्ट पर्सन में ट्रांसमिट ना हो और एनवायरनमेंट में ही पड़े रहें तो वो ड्राई आउट हो जाएंगे और वो जो वायरसेज हैं वो किल हो जाएंगे। तो जो इनवेलप वायरसेज हैं उनकी ट्रांसमिशन जो है वो आइदर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू होती है या फिर इंसेक्ट बाइट या एनिमल बाइट या रेस्पिरेटरी एरोसोल्स। इनकी कोई फीकल ओरल ट्रांसमिशन नहीं होती जिसमें वो पहले अपने इन्फेक्टेड पर्सन के हैंड्स पे हो और फिर वो फूड में जाए और वो फूड से नेक्स्ट पर्सन जो है वो उसको इंजेस्ट कर ले, इस तरह की इनकी ट्रांसमिशन नहीं होती। इनकी ट्रांसमिशन इस तरह की होती है जिसमें इनको इन्वायरमेंट में मिनिमली इनको इन्वायरमेंट में रहना पड़े, क्योंकि इनका इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना मुश्किल होता है। जिस तरह मैंने आपको कैप्सिड का बताया था, कैप्सिड प्रोटीन्स जो है वो एज ए सर्फेस एंटीजन एक्ट करती हैं, इसी तरह इनवेलप की जो ग्लाइको प्रोटीन है वो भी सर्फेस एंटीजन के तौर पर एक्ट करती हैं, और इसकी बेसिस पर जो है सीरोटाइप्स बनती हैं, यानी सब कैटेगरीज बनती हैं, ठीक है। और ये सब कैटेगरीज की वजह से होस्ट इम्यून सिस्टम को, होस्ट इम्यून सिस्टम की इवेजन में इनको हेल्प मिलती है, यानी इसको वो बाईपास कर सकते हैं। अगर एक सीरोटाइप के अगेंस्ट इम्यून था होस्ट, तो वो क्या करते हैं, दूसरी सीरोटाइप से अगर इन्फेक्शन होगा तो वो होस्ट इसको रिकग्नाइज नहीं करेगा और वो सक्सेसफुल इन्फेक्शन कॉज करेगा। अच्छा, अब कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जो टिपिकल वायरसेस तो नहीं होते, क्योंकि उनमें या तो न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होता है या उनमें प्रोटीन्स एब्सेंट होती हैं, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ उसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम उनको टिपिकल वायरस नहीं कह सकते। तो दे आर फोर टाइप्स ऑफ ए टिपिकल वायरस लाइक एजेंट, उनको वायरस लाइक एजेंट्स कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास फोर हैं, डिफेक्टिव वायरसेस, सूडो विरियन, वायरॉइड एंड प्रियॉन्स। व्हाट आर डिफेक्टिव वायरसेस? मैंने आपको बताया कि एक वायरस जो है जब एक सेल के अंदर जाता है, उसको इन्फेक्ट करता है, तो अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज बनाता है। उन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज में से कुछ कॉपीज ऐसी होती हैं जिनका जेनेटिक मटीरियल उसमें या तो कोई म्यूटेशन हो जाती है या डिलीशन हो जाती है। अच्छा, अब वो म्यूटेशन और डिलीशन इस तरह की होती है कि वो जो वायरसेस होते हैं वो रेप्लीकेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी जेनेटिक रेप्लीकेशन के लिए जेनेटिक रेप्लिकेशन के लिए जो उनको मशीनरी चाहिए होती है वो उनके पास नहीं होती है, कुछ प्रोटीन्स चाहिए होती हैं जो उनके पास नहीं होती, ठीक है। तो वो रेप्लिकेट नहीं कर सकते, उनको रेप्लिकेट करने के लिए एक दूसरे वायरस की हेल्प चाहिए होती है, एक नॉर्मल वायरस की हेल्प चाहिए होती है जो कि अपनी मशीनरी बना रहा होता है, अपनी प्रोटीन्स बना रहा होता है। तो ये डिफेक्टिव वायरसेस क्या करते हैं, उन हेल्पर वायरसेस की प्रोटीन्स जो बन रही होती हैं वो उनको अपने लिए यूज़ कर लेता है, अपनी मिसिंग प्रोटीन्स को, अपनी मिसिंग प्रोटीन्स को पूरा करने के लिए वो उन इन्फेक्शस पार्टिकल के साथ कम्पीट करता है, और जो वो प्रोटीन्स अपने लिए बना रहे होते हैं वो उन डिफेक्टिव वायरसेस अपनी प्रोटीन्स को पूरा करने के लिए यूज़ कर लेता है, ठीक है। सो व्हाट आर डिफेक्टिव वायरसेस? दे हैव म्यूटेशन और डिलीशन इन पार्ट ऑफ द जेनेटिक मटीरियल, सो दे आर अनएबल टू रेप्लीकेट विदाउट अ हेल्पर वायरस। दे कम्पीट विद द इन्फेक्शस पार्टिकल फॉर देयर मिसिंग वायरल प्रोटीन, ठीक है। अब क्या होता है कि जो इन्फेक्शस पार्टिकल वो अपने लिए प्रोटीन बना रहा था, लेकिन ये डिफेक्टिव वायरसेस क्या करते हैं कि वो उन प्रोटीन्स को अपने लिए यूज़ कर लेते हैं। तो जो जो इन्फेक्शन पार्टिकल है इनके लिए जो है कॉम्पिटिशन डिवेलप हो जाता है, इनके लिए जो है वो डेफिशिएंसी डिवेलप होना शुरू हो जाती है इनकी प्रोटीन्स की। तो इसकी वजह से क्या होता है कि नेचुरली ये जो इन्फेक्शन होता है ये
लिमिट होना शुरू हो जाता है, मतलब कि ये रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, इसका वायरस के जो अमाउंट है वो कम होना शुरू हो जाती है इन्फेक्शस पार्टिकल्स में. सो मोस्ट वायरस ह्यूमन वायरसेस जो हैं वो डिफेक्टिव पार्टिकल ज़्यादा बनाते हैं, इन्फेक्शस पार्टिकल कम बनाते हैं. डिफेक्टिव टू इन्फेक्शस पार्टिकल रेशो जो है वो 100:1 होती है, यानी कि अगर एक सेल के अंदर एक वायरस ने इन्फेक्ट किया है और उसने मल्टीप्लाई किया, तो अगर उसमें 100 डिफेक्टिव पार्टिकल्स हैं तो ये एक इन्फेक्शस पार्टिकल होगा. इस तरह की एग्जाम्पल हमारे पास हेपेटाइटिस बी सी और डेंगू वायरस की आ जाती है. सूडोविरियन क्या होते हैं कि जब एक वायरस ने होस्ट सेल को इन्फेक्ट किया, तो इन्फेक्ट करने के दौरान जो डीएनए है उसके फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, होस्ट सेल के जो डीएनए उसका फ्रेगमेंट बन जाता है. अब जब वायरस जो है वो उसने होस्ट सेल से बाहर निकलना है, तो उसकी जो कैप्चर प्रोटीन्स होती हैं वो डीएनए जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है उसको कोट कर लेती हैं, और एक वायरस मटीरियल बनकर पार्टिकल बनकर वो होस्ट सेल से बाहर निकल जाती हैं. लेकिन सूडोविरियन क्या होते हैं, इसमें जो वायरस की जो कैप्चर्ड प्रोटीन्स होती हैं वो अपने अंदर होस्ट सेल का जो डीएनए फ्रेगमेंट होता है उसको इनकॉर्पोरेट कर लेती हैं. ठीक है, तो जब वायरल कैप्चर्ड होगा और जेनेटिक मटेरियल अंदर होस्ट का डीएनए होगा, तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको सूडोविरियन कहेंगे, यानी कि वो टिपिकल वायरस नहीं है क्योंकि उसके अंदर होस्ट का जेनेटिक मटेरियल है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल नहीं है. हाँ, जो उसकी प्रोटीन्स हैं जो कैप्चर्ड है वो उसका वायरस का है. So it can infect cell, but it is unable to replicate because it lacks the genetic material of a typical virus. So pseudovirion kya hote hain, during infection of the host cell DNA is fragmented. Sometimes these host DNA fragments are incorporated into capsid, and that leads to the formation of pseudovirions that can infect cells but are unable to replicate. फिर हमारे पास वायरॉइड्स आ जाते हैं. वायरॉइड्स हमारे पास सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सर्कुलर आरएनए. अब ये वायरॉइड्स जो हैं इनके पास ये प्रोटीन्स नहीं होते बल्कि ये आरएनए स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये जो आरएनए स्ट्रक्चर्स होते हैं सर्कुलर होते हैं, और इनका मॉलिक्यूलर वेट 1×10^5 होता है. और ये जो आरएनए होते हैं ये कोई प्रोटीन कोड नहीं कर रहे होते, ठीक है. ये सिर्फ आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इन्फेक्शियस होते हैं, और इनका रेप्लिकेशन का प्रोसेस भी जो है वो अननोन है कि किस तरह से रेप्लिकेट कर रहे हैं. ये जो आरएनए वायरॉइड्स होते हैं ये ह्यूमन में तो कोई डिजीज कॉज नहीं करते, लेकिन ये कुछ प्लांट डिजीजेस कॉज करते हैं. इसी तरह हमारे पास प्रियॉन्स आ जाते हैं. प्रियॉन्स जो हैं इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन. प्रियॉन्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनमें जेनेटिक मटीरियल कोई नहीं होता बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं. इनका मॉलिक्यूलर वेट 27,000-30,000 होता है, इनमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता. दे आर मोर रेजिस्टेंट. अच्छा, नॉर्मल जो वायरसेस होते हैं वो उनकी इनएक्टिवेशन हो जाती है बाय अल्ट्रावायलेट लाइट और उसके अलावा अल्कोहल से, लेकिन ये जो प्रियॉन्स होते हैं दे आर मोर रेजिस्टेंट. और इनकी इनएक्टिवेशन के लिए आपको एनएओएच चाहिए होता है, हाइपोक्लोराइट या ब्लीच चाहिए होती है, या फिर आपने ऑटोक्लेव करना होता है अपने इक्विपमेंट्स को. ठीक है, सो प्रियॉन्स को क्विल करने के लिए आपने जो मेथड यूज करने हैं उनमें हाइपोक्लोराइट या ऑटोक्लेविंग या एनएओएच आता है. टिपिकल जो वायरस को क्लीन अप करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं, वायरसेस को किल करने के लिए यूज करते हैं, वो उसके लिए जो प्रियॉन्स हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं. अच्छा, प्रियॉन्स करते क्या हैं? प्रियॉन्स स्लो डिजीजेस कॉज करते हैं लाइक ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी. ब्रेन में जो है ये ब्रेन टिश्यू जो है उसको उसकी स्पंज लाइक जो है ना उसकी मॉर्फोलॉजी कर देते हैं. इसमें क्रुट्सफेल्ड जैकब डिजीज आ जाती है ह्यूमंस में, और स्क्रैपी आ जाती है शीप्स में. प्रियॉन्स बनते कैसे हैं? अगर हम स्क्रैपी प्रियॉन को एज ए मॉडल यूज करते हुए देखें कि प्रियॉन्स कैसे बनते हैं तो हमें समझ आएगी. इसके लिए आपको सेल का बेसिक जेनेटिक जो सेंट्रल डोग्मा है उसका आपको आइडिया होना जरूरी है, जिसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि आपके पास एक सेल का डीएनए होता है, ठीक है, उससे आपका बनता है आरएनए, और उससे आपकी बनती है प्रोटीन. ठीक है, ये सेंट्रल डोग्मा होता है सेल का. डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन. डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन होती है, और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन होती है.
ये एक सेल का नॉर्मल सेंट्रल डोग्मा है जो कि जिससे कोई भी प्रोटीन सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है। प्रियॉन प्रोटीन भी इसी प्रोसेस से बनती है। ये फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि ये प्रियॉन प्रोटीन है और हम देखें कि ये कैसे बनी, अगर हम इसको बैकवर्ड देखना शुरू करें तो इसका जो mRNA होता है वो भी वैसा ही होता है जो नॉर्मल किसी भी प्रोटीन का mRNA होता है, और इसका जो DNA में जीन होती है वो भी वैसे ही होती है नॉर्मल सेल की, एक इन्फेक्टेड सेल की जो जीन होती है उसकी क्वान्टिटी भी सेम होती है, और उसके अलावा जो RNA होता है वो भी सेम होता है। सो इसका मतलब ये है कि जो कोई चेंजेस हुई हैं वो उसकी ट्रांसलेशन के बाद हुई है, यानी कि प्रोटीन के बनने के बाद कोई पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हुई है जिसकी वजह से ये प्रायोन्स प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, यानी कि एक नॉर्मल प्रोटीन थी, इसमें कोई पोस्ट ट्रांसलेशनल ऐसी मॉडिफिकेशन हुई कि ये एक इन्फेक्शियस प्रायोन प्रोटीन बन गई है। अब ये मॉडिफिकेशन क्या होती है कि पहले जो नॉर्मल प्रोटीन थी इसकी अरेंजमेंट अल्फा हेलिकल फॉर्म थी, ठीक है, लेकिन ये जो इन्फेक्शियस प्रोटीन है, ये जो प्रियॉन प्रोटीन बनी है, इसमें कुछ इस तरह के मॉडिफिकेशन हुई है कि एक बीटा प्लेटेड शीट बन गई है। सो विद स्क्रैपी प्रियॉन एज अ मॉडल इट वाज फाउंड दैट इट वाज इनकोडेड बाय अ सेलुलर जीन दैट इज इन इक्वल क्वांटिटी इन इन्फेक्टेड एंड नॉन इन्फेक्टेड सेल। mRNA ऑफ दिस जीन इज ऑल्सो इन इक्वल क्वांटिटी इन इन्फेक्टेड एंड नॉन इन्फेक्टेड सेल, बट देर वॉज अ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन दैट मेक्स इट इन्फेक्शियस एबनॉर्मल प्रोटीन कॉल्ड प्रियॉन। And this modification involves the change in conformation from normal alpha helical form to beta pleated sheets. Okay, बच्चों मैं आपको ना एक और